बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समहा। होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम शेयर विद यू कमर्शियल स्टाइल चिकन देगी कोरमा रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें आज की रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हाफ कप ऑयल। तो ऑयल मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं, एक पाव प्याज लिए हैं। तो आपको मैं क्वांटिटी बता देती हूँ, एक किलो चिकन में एक पाव प्याज डालेंगे। अगर आपकी दो किलो चिकन है तो आप आधा किलो प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर आप प्याज को हम डाल देते हैं। इसको अब हमने अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए, जैसे हम बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करते हैं और पुलाव के लिए करते हैं, डार्क वैसे हमने नहीं करने। इसको हमने लाइट ब्राउन सा कलर देना है। फ्लेम इस टाइम मैंने मीडियम रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ों को कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया है। तो आपको जिस तरह की भी रेसिपीज़ पसंद हैं आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपकी इंशाल्लाह वो रेसिपी ज़रूर बना के दूंगी। इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी पसंद आएगी। तो इसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज परफेक्ट कलर में फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और ये अच्छे से ड्राई भी हो गए थे। तो यहाँ पर अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो प्याज को हमने अलग कर दिया है। अब उसी ऑयल में हम चिकन को फ्राई करेंगे। यहाँ पर 1 kg चिकन ले लिया है, इसको फ्राई करेंगे अब हम। तो चिकन को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चिकन का कलर चेंज होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जब तक चिकन का कलर चेंज होता है आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। तो चिकन का कलर चेंज होने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन किस तरह अच्छे से फ्राई हो गई है, इसके ऊपर कलर भी आ गया है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़े की देगी कढ़ाई तैयार हो रही है। आपने वीडियो को ज़रूर वॉच करना है एंड तक और इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर गरम मसाले ऐड कर देंगे। उसमें यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1/2 teaspoon, दालचीनी के 2 टुकड़े, सूखा धनिया 1 teaspoon, तेज़पात के 2 पीस और 3 अदद मैंने लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 अदद छोटी इलायची और 2 बादियान के फूल लिए हैं। ये ऐड करेंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो इस टाइम बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तमाम गरम मसाले ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे अब हम इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरम मसालों के साथ चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, इसको हमने फैला कर डालना है। और साथ में यहाँ पर मैंने 1/2 teaspoon सॉल्ट ले लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं सॉल्ट। साथ ही 1/2 teaspoon हल्दी के ले लिए हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 teaspoon पेपरिका पाउडर के डालेंगे, ये कलर के लिए यूज़ होती है। और 2 sips पानी के ऐड करके हम इसको फ्राई करेंगे। साथ साथ पानी ऐड करते जाएं ताकि मसाले नीचे ना लगें।
तो यहाँ पर जब तक चिकन फ्राई हो रही है तब तक हम पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, जो प्याज हमने फ्राई किए थे वो ले ली हैं, 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और इसके साथ हम डालेंगे आध पाव दही मीठा, और वो हम 1 किलो चिकन में आध पाव दही डालेंगे। तो इसकी हम पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आध पाव मैंने दही ले लिया है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कोकोनट ले लिया है, और इसको हम मिक्स करेंगे दही में। और जो मैंने आपको टमाटर प्याज और हरी मिर्चें दिखाई हैं उसके अंदर हम ये दही डाल के ब्लेंड करेंगे। साथ यहाँ पर मैंने 10 से 12 अदद आलमंड्स भी ले लिए हैं, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तब हम इसकी पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मैंने अपनी मामा को कहा है कि वो पेस्ट बनाएं, और यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। लो फ्लेम है इस टाइम बिल्कुल, आपने स्टेज पे चिकन की जो फ्लेम है चिकन के नीचे वो लो ही रखनी है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे कोरमा मसाला 1 टेबल स्पून, और इसको हम मिक्स करेंगे। कोरमा मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाई है वो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। आप पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आपको लगा कि कितनी आपने थिक पेस्ट बनानी है उतना पानी ऐड कर लें। और ये देखें अब हम इसके अंदर डालते हैं पेस्ट, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये दिखाना। तो यहाँ पर जग में जो पेस्ट रह गई थी उसके अंदर हमने 1/2 कप पानी का ऐड किया है, और वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का देगी कोरमा हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। मैंने 20 मिनट के बाद इसका कवर हटा दिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही मज़े की रेडी है। अब हमने इसके लास्ट में 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम गरम मसाला गार्निश करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्योरा एसेंस के 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, और इसको हमने मिक्स करके कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। लाइट लाइट से आपने मिक्स करना है, और अब हम इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का देगी स्टाइल का कोरमा रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और मुझे आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक चाहिए। आपके फीडबैक से मेरा हौसला बढ़ता है। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।